बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्वायर रूट के अंदर 15 प्लस स्क्वायर रूट 200, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 15 स्क्वायर रूट के अंदर प्लस स्क्वायर रूट 200 को लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 50। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे स्क्वायर रूट के अंदर 15 प्लस, इनको लिख देंगे 4 के लिए अलीहदा स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 50 के लिए अलीहदा। फिर क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 15 प्लस, इनसे आता है 2 स्क्वायर रूट के अंदर 50। फिर क्या करेंगे, यहाँ ये 15 इनको लिख देंगे 10 प्लस 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर ये 15 है, इनको लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई 5। फिर क्या करेंगे, ये 10 ही इनको इस तरह लिख सकते हैं ना कि स्क्वायर रूट 10 होल स्क्वायर। इसी तरह ये 5 नहीं, इनको इस तरह लिख सकते हैं ना कि स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ 10 की जगह लिख देंगे स्क्वायर रूट 10 होल स्क्वायर प्लस 5 की जगह लिख देंगे स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 अलीहदा स्क्वायर रूट के अंदर और स्क्वायर रूट 5 अलीहदा लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, लेट ले लेंगे किसको, स्क्वायर रूट 10 को किसके बराबर, ए के बराबर, स्क्वायर रूट 5 को बी के बराबर। तो यहाँ जाएगा, इनकी जगह जाएगा ए स्क्वायर प्लस इनकी जगह बी स्क्वायर प्लस यहाँ 2ab। फिर क्या करेंगे, इनसे क्या बनता है, फार्मूला बनता है ना, तो यहाँ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो जाए, तो यहाँ जाएगा ए प्लस बी। फिर ए को हमने किसके बराबर लिया था, स्क्वायर रूट 10 के बराबर प्लस 5 को स्क्वायर रूट 5 के। फिर ये स्क्वायर रूट 10 नहीं है, ये वाला इनको इस तरह लिख देंगे स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। ये स्क्वायर रूट 10 है, इनको हमने इस तरह लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 2। फिर 5 के लिए अलीहदा स्क्वायर रूट और 2 के लिए अलीहदा। फिर इन दोनों से स्क्वायर रूट 5 को कामन ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास ये आंसर आ गया।